सभी साथियों को जय हिंद नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी बेहतरीन होंगे। मैं आपका अपना विजय एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। भाई देखिए भाई, आज बहुत ही प्यारा और गजब का नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आए हैं और जॉब और जोड़ से कोई भी जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। देखिए भाई, आज का जो सेशन रहने वाला है उन प्यारे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी प्लस टू पास की है, जिसकी एज मात्र 17 और 17.5 साल है और वो भी अपना फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की अगर बात करते हैं, इसमें 21 रहने वाली है। बहुत प्यारा और गजब की जॉब, जिसका सपना इंडियन नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर बेल्ट की नौकरी करने का है, उसके लिए वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की अगर बात करते हैं मेरे भाई किसमें है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं इंडियन नेवी के अंदर, इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के अंदर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। और वैकेंसी किस चीज की है, लास्ट तक आपको बने रहना है, क्या एज इसमें रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर रहने वाली, सारी चीजें हम आपको यहां पर बताएंगे। देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। और अगर आप इस पर क्लियर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं साइड में चीजों को लिख दूंगा। यहाँ पर जो वैकेंसी है मेरे भाई, मेडिकल असिस्टेंट, किस चीज की है भाई, मेडिकल असिस्टेंट की ये वैकेंसी निकली है। वैकेंसी में अगर एज की मैं बात करता हूँ मेरे भाई, एज की अगर बात करता हूँ, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ नवंबर 2003 से मार्च 2007 के बीच में लाई करती है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, एज की बात करते हैं 2003 से 2007 के बीच में, यानी कि मोटी मोटी अगर बात करता हूँ, जिसकी एज 17 साल से 21 साल के बीच में है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन गुरुजी इसमें क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले भाई इसमें 12th होनी चाहिए, प्लस टू पास मात्र इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन प्लस टू पास किस चीज से होनी चाहिए मेरे भाई, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी मैथ नहीं आएगा इसके अंदर, बायो आएगा भाई। क्या आएगा, बायो, यानी कि पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। अगर मेडिकल से किसी भाई ने प्लस टू पास की है तो इसके लिए स्पेशल वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि मेडिकल वाला ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर प्रोसेस की अगर बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर कैसे होगा, सबसे पहले आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद सबसे पहले इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट ये देखेगी कि क्या भाई फॉर्म अप्लाई करने के बाद, ये नहीं कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और सभी एग्जाम के अंदर बैठेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी जो 12th बेस परसेंटेज होगी, 12th बेस जो आपकी परसेंटेज है, जितने परसेंट आपने प्लस टू में किस लिए हैं एग्जाम के अंदर, उसी परसेंटेज के आधार पर इंडियन नेवी आपके एडमिट कार्ड जारी करेगी। क्या करेगी भाई, एडमिट कार्ड जारी करेगी। एडमिट कार्ड सिर्फ किसके जारी होंगे, उन्हीं के होंगे जिनके यानी कि हायर मार्क्स हैं, ठीक है, जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उन्हीं को एडमिट कार्ड इश्यू करेगी। एडमिट कार्ड इश्यू करने के बाद इंडियन नेवी भाई क्या करेगी, आपको पीएफटी के लिए बुलाएगी, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी भाई क्या होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका सबसे पहले इंडियन नेवी लेगी भाई। इसमें खास बात क्या है कि इसमें एग्जाम आपका पहले नहीं होगा, पहले होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर गुरुजी आप क्या करवाएंगे, वहां पर आपको बता देता हूं, 1.6 किलोमीटर यानी कि आप बोल सकते हैं 1600 मीटर की आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ पर जो आपको टाइम दिया होगा मेरे भाई, टाइम रहेगा आपका 6 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है भाई, 6 मिनट 30 सेकंड आपको मिलेंगी, इसके अंदर आपको रनिंग क्वालिफाई करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाई जिसके हायर मार्क्स है इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर लें, आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिजिकल करेंगे, 6.5 मिनट के अंदर आपको रनिंग कवर करनी होगी। उसके बाद जिस साथी की रनिंग कवर हो जाती है, रनिंग के बाद आपको क्या होगा भाई, 20 आपको उठक बैठक लगानी होगी और 20 ही आपको क्या होगी, पुशअप्स लगानी होगी। ये सब क्वालिफाई होने के बाद आपको आगे वाली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अब आगे वाली स्टेज गुरुजी आपकी क्या रहने वाली है, जब आपका पीएफटी हो जाता है तो आगे वाली जो स्टेज आपकी रहेगी उसके अंदर क्या होगा भाई, एग्जाम होगा। एग्जाम यानी कि रिटर्न एग्जाम आपका होगा भाई। रिटर्न एग्जाम के अंदर गुरुजी हमारे से क्या पूछा जाएगा,
रिटन एग्जाम के अंदर अगर हम बात करता हूं तो इसके अंदर साइंस आएगी, क्या आएगी भाई, साइंस आएगी, और आपकी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और आपका रीजनिंग आएगा, और गुरुजी आपका क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, मेडिकल के लिए वैकेंसी है, इसके अंदर मैथ का कोई पोर्शन आपके लिए रहने वाला है, ठीक है भाई। ये सब गुरुजी ये क्वेश्चन जो है ये कितने मार्क्स के आएंगे, ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, 100 मार्क्स के। और इनके लिए जो टाइम रहने वाला है, टाइम की अगर बात करते हैं, टाइम आपका 60 मिनट रहेगा, यानी कि आपको 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको कवर करने होंगे, यानी कि अच्छा खासा टाइम आपको बचाना होगा, ठीक है, टाइम बहुत कम दिया गया है। और ये सब प्रोसेस होने के बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट के अंदर, मेरिट लिस्ट की अगर बात करता हूँ, नेवी एक ऐसी हमारी भाई नौसेना जो है ये कम समय में यानी कि रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कर लेती है। अगर बात करता हूँ अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के अंदर आपकी कंप्लीट वैकेंसी कर दी जाएगी, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी टिल दिसंबर, यानी कि 2024 के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, बड़ी खास बात, ठीक है भाई। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेरे भाई किस लिए होगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल जिस बच्चे का क्वालिफाई हो जाता है उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं बायो वाले स्टूडेंट्स की, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से पढ़ाई की है, जिसके हायर मार्क्स हैं ट्वेल्थ बेस पे, वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, और छोटी सी उम्र में आपका डिफेंस में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी, और नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन देखने के लिए, जुड़ने के लिए हमसे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।